देहरादून में विधानसभा के बाहर हरीश सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर प्रोटेस्ट। देश में कई जगह बारिश और ओलों की बरसात से फसल बर्बाद, राहुल ने संसद में उठाया मुद्दा, एमपी सरकार की किसानों को मुआवजे की घोषणा। संसद में फिर गूंजा आरक्षण का मुद्दा, रिजर्वेशन पर आरएसएस के बयान पर एसपी और बीएसपी ने जताई आपत्ति, जेटली बोले जारी रहेगी रिजर्वेशन की व्यवस्था। माल्या मामले पर राज्यसभा की एथिक्स कमेटी की होगी मीटिंग, किरीट सोमैया की वित्त मंत्रालय को चिट्ठी, माल्या के सभी कारोबारी संस्थाओं की फोरेंसिक ऑडिट की मांग। महाराष्ट्र सदन घोटाले में एनसीपी नेता छगन भुजबल पर कसता शिकंजा, 4.5 घंटे से मुंबई में ईडी दफ्तर में पूछताछ जारी, भतीजे की भी पूछताछ के बाद हुई थी गिरफ्तारी। यूपी कैबिनेट के 45 प्रस्तावों को हरी झंडी, वाराणसी में मेट्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी, पीपीपी मॉडल पर होगी डायलिसिस, गरीब मरीजों को पैसा नहीं देना पड़ेगा। यूपी में बड़ा निवेश करेगा एसएल ग्रुप, चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा का ऐलान, एसएल वर्ल्ड से बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे लॉन्च, 8500 करोड़ का होगा निवेश। आगरा में किडनैप पेपर व्यापारी के बेटे का अब तक नहीं मिला कोई सुराग, तलाश में पुलिस की कई टीमें, कल घर से हुआ था अगवा। मेरठ में नकली कॉस्मेटिक्स की फैक्ट्री का पर्दाफाश, ब्रांडेड कंपनी के नकली कॉस्मेटिक बरामद, पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार।